इजी होल्ड 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 ये बात तो सच है कि मेवात इलाके में टैलेंट की कमी नहीं है, बस कमी है तो सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म की। लेकिन मेवात इलाके के ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मेवात का नाम पूरी देश भर में रोशन कर दिखाया है। दरअसल फिलहाल मैं मौजूद हूँ गांधी ग्राम कहे जाने वाले गांव घाशेड़ा में, और घाशेड़ा गाँव के मोहम्मद फैजान नाम के एक युवक ने वेट लिफ्टिंग में अपने पूरे मेवात का नाम रोशन कर दिखाया है। उन्होंने 94 किलोग्राम वेट लिफ्ट उठाया और उसके बाद में गोल्ड मेडल पूरी मेवात के नाम उन्होंने किया है। इसके बाद से जैसे ही वो अपने गांव पहुंचे तो गांव पहुंचने के बाद उनका फूल मालाओं से और पगड़ी पहना करके उनका समर्थन किया गया है, उनका स्वागत किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गांधी ग्राम यानी कि घासेड़ा गाँव के पूर्व सरपंच मौलवी साबिर हुसैन के पोते हैं, सब्बीर हुसैन के ये पोते हैं मोहम्मद फैजान, और उनके पिता का नाम है मोहम्मद समीम। और कहीं ना कहीं इलाके की सारी सरदारी हमारे साथ मौजूद। मैं कहूँगा कैमरामैन से कि एक बार दिखाए कि किस तरीके से बच्चे की इस उन्नति पर, बच्चे की इस कामयाबी पर किस तरीके से लगातार खुशियाँ मनाई जा रही हैं। सबसे पहले बच्चे से बात करेंगे, फिर जानने की बात करेंगे कि आखिरकार वेट लिफ्टिंग होता क्या है, वेट लिफ्टिंग में इन्होंने स्टेट लेवल पर किस तरीके से गोल्ड मेडल हासिल किया है। सबसे पहले तो जो कामयाबी आपको मिली है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। अच्छा ये बताइए कि वेट लिफ्टिंग में आप कहाँ कहाँ खेले हैं और कितना वेट आपने उठाया है और कौन सा मेडल आपने जीता है? मैं वेट लिफ्टिंग में डिस्ट्रिक्ट लेवल से गोल्ड लेकर स्टेट के लिए मेरा चुन किया गया, और मैं वहाँ यमुनानगर गया स्कूल की तरफ से। अच्छा। तो वहाँ 137 किलो भार वर्ग उठाकर मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ, और उसके तुरंत बाद मैं स्टेट लेवल गया ओपन स्टेट जो प्राइवेट गेम है उसमें मेरा सेकंड मेडल हुआ। अच्छा 137 किलोग्राम का वजन उठाया आपने? जी जी। अच्छा तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? मैं 11th क्लास में हूँ। 11th में हूँ जी। तो ये जो वेट लिफ्ट वाला सिस्टम है ये स्कूल में सिखाते थे या फिर शौक है, क्या है? कोच है मेरा आबिद हुसैन, नुहू में नर्सरी है बॉयज स्कूल में। अच्छा। उसमें नर्सरी में मेरा एडमिशन है, मैं पिछले 3 साल से वहाँ करता हूँ वेट लिफ्टिंग आबिद सर के पास। उसके बाद उसमें 3-4 बच्चे और हैं मेरे सीनियर हैं, वो भी गए, उनका भी मेडल है, और स्कूल की तरफ से मैं गया यहाँ से, और ओपन स्टेट की तरफ से हमारे सेंटर से गए बच्चे, उनका भी मेडल है, और इसका सारा क्रेडिट मेरे कोच साहब को जाता है और मेरे माँ बाप को जाता है। अच्छा। तो इसके लिए लगातार हौसला अफजाई करते रहते हैं आपके परिवार वाले, आपके टीचर्स, आपके कोच आपको? जी मेरे टीचर्स का बहुत सहयोग है इसमें, और मेरे माँ बाप और मेरा कोच का तो यही है। अब आगे आने वाले समय में आपकी अच्छा क्या कुछ सपने हैं, आप आगे अच्छा कहाँ खेलना चाहते हैं? मेरा नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ है स्कूल की तरफ से, उसमें गोल्ड देकर मैं इंटरनेशनल जाऊँगा इंशाल्लाह, और अपना देश का नाम रोशन करूंगा, अपने जिले का नाम रोशन करूंगा। तो पूरी तैयारी है अभी फिलहाल? पूरी तैयारी जी, पूरी तैयारी है। चलिए ये हमारे साथ थे मोहम्मद फैजान, फैजान के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा ये बताइए कि बच्चे बच्चा पढ़ने के साथ साथ में वेट लिफ्टिंग का काम करता है, तो ऐसे में आप लोगों ने आज कभी सोचा था कि हमारा बच्चा वेट लिफ्टिंग में इतना आगे बढ़ सकता है? ना ऐसा सोचा तो नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला जो चाहता है ना जो अपने कर दिखाता है कि बच्चे के लिए थोड़े से सहयोग और एक मान दो बच्चे के ऊपर जो होती है ना कि शफकत दो होती है, बस उसको थोड़ा सा उत्साह दे हो, उसकी कोई कमी पेश ना आए, और उस तरह से बच्चों को जिस लाइन में डाला जाता है उस लाइन में थोड़ी सी माँ बाप की एक जिम्मेदारी होती है, बस उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो अल्लाह ताला ने उसको चाह लिया, उधर जो है स्कूल में जहाँ पढ़ता है टीचरों को बहुत सहयोग है, कोच ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, घर में भी थोड़ी सी सपोर्ट रही है हर तरह की, हमारे जितने भी मिलने वाले हैं उनकी भी सपोर्ट रही है, तो अल्लाह ताला ने इसको जो है स्टेट लेवल तक पहुंचाया, तो आगे नेशनल में सिलेक्शन हो गया। तो हम तो दुआ करते हैं और आप सभी से दुआ करते हैं इंशाल्लाह ताला आगे भी इसको जो है कामयाबी दें। अच्छा अक्सर क्या है कि माता पिता की मेंटलिटी, अरे पढ़ लो आप, आगे पढ़ने के बाद में कुछ अच्छे बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे या फिर कोई अधिकारी बन जाओगे,
ये वेट लिफ्टिंग क्या है, उठाते फिरते रहते हो तो मना करते हैं अक्सर, तो आपने कभी ऐसा किया था क्या? ना ऐसा कुछ नहीं किया, दरअसल बच्चे की पोजीशन देखी जावे। अच्छा, मतलब इसकी एक शरीर जो था ना वो सिस्टम ही ऐसा हो बचपन से ही कि थोड़े से एक खुद भी सेहतमंद हो और बाकी और चीज तो वो हेल्थ के हिसाब से देखी जावे ना, तो उस हिसाब से एक वेट लिफ्टिंग में अच्छा सिलेक्शन हो, अच्छो सिस्टम हो। फिर इनसे बातचीत हुई कोच से, जो यहाँ का कोचिंग सेंटर है नूह में नर्सरी का, जो अभी सरकार ने मान्य किया है बॉयज स्कूल में, तो वहाँ कोच है। पहले तो मास्टर आबिद बेचारे प्राइवेट ही करवाते थे, तो वहीं उसी टाइम डाल दियो हमने। तो ये कि हेल्थ के हिसाब से एक वेट लिफ्टिंग सूट कर रहा हो तो हमने उसी में डाल दिए इसको, मन की उस अच्छा रहेगा बस उसी। बहुत बहुत बधाई आपके लिए भी, आपका बच्चा इतना आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ में हिरमतला गाँव के मौजूदा सरपंच तौफीक हैं, उन्होंने भी आज बच्चे को पगड़ी बंधवाई है, मालाएं पहनाई हैं और मुंह मीठा करवाया है। अच्छा तौफीक, ये बताइए कि आप गांव के सरपंच हैं, मौजूदा व्यक्ति हैं, तो ऐसे में जिस तरीके से मेवात के बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं अलग अलग फील्ड की अगर हम बातें करें, तो ऐसे में फिलहाल क्या कहेंगे बच्चे को लेकर के? सबसे पहले तो मैं रिजवान भाई आपको और आपके दर्शकों को धन्यवाद कहना चाहता हूं, जो आपने इस बच्चे को इस काबिल समझा कि इसके यहां पर इंटरव्यू लेने के लिए आए। कि हमारे मेवात में एक चीज़ और है कि कोई बच्चा अगर आगे निकलता है तो उसको प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, उससे बच्चे का मनोबल गिरता है जी। और मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूं, आज तो इसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नाम किया है, आगे जाके अपने गांव का, स्टेट लेवल पर आगे जाके अपने गांव का, अपने घर का, परिवार का, देश का आगे और बहुत अच्छा नाम करे। अच्छा, बाकी और मेवात के बहुत सारे बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों से क्या अपील है, क्या कहना चाहेंगे उनके अभिभावकों को, उनके माता पिता को? मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ, अगर किसी बच्चे में इस तरह का कोई हुनर है तो उसका साथ दिया जाए और समाज के सभी लोगों को मिलजुल के उसको आगे बढ़ाया जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोई बच्चा आगे पढ़ना चाहता है, अगर कोई बच्चा आगे बढ़ना चाहता है तो उसका सहयोग करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे और कोई अपनी बात रखना चाहता है? फखरुद्दीन जी, चलिए शर्मा रहे हैं, हालांकि शर्माना नहीं चाहिए अच्छे कामों में। तो ये मोहम्मद फैजान ने जिस तरीके से वेट लिफ्ट उठा करके कहीं ना कहीं अपने गाँव और अपने इलाके का नाम रोशन किया है, तो कहीं ना कहीं उनका हौसला अफजाई की जा रही है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल हनान है। अब्दुल हनान जी, जी हाँ। आप मैं, चाचा हैं? हाँ, मैं इनका चाचा हूँ। अच्छा, बच्चे की कामयाबी पे क्या कुछ कहेंगे? मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि इस बच्चे को हर जगह हर मौके पर कामयाबी और कामरानी अता फरमाए जी, और उसके हौसलों को मजीद बुलंद फरमाए। और माँ बाप से और इनके कोच से ये दरख्वास्त करूँगा कि मजीद जो है कि इनका ताउन करें, इनका सहयोग करें। अच्छा, बाकी और मेवात के बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें टैलेंट तो है, देखो लेकिन वो दब के रह जाते हैं। ये मेन चीज़ है सपोर्ट की, कि हमारा जो बैक है, हमारा परिवार है, वो कितना किसको सपोर्ट करता है। बहुत से बच्चे हैं टैलेंट है लेकिन उनका हुनर जब तक निखर कर नहीं आएगा, जब तक उनको सही रास्ता नहीं मिलेगा, उसके लिए दरख्वास्त है उनके उस्तादों से, उनके टीचरों से, उनके माँ बापों से, कि बच्चे के अंदर जिस चीज़ की लगन हो उस चीज़ में उसका सहयोग करें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आप सोचें अपनी मर्जी अपनी ख्वाहिश आप वही बच्चे पर थोपें। अगर बच्चा किसी और चीज़ में शौक़ रखता है, किसी और पढ़ाई में शौक़ रखता है, तो उसकी तरफ उसे प्रमोट करें। अगर आपके घर की इस्तेआत है, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने बच्चे के लिए सोचा क्या है कि मैं इंजीनियर ही बनाऊँ, मैं डॉक्टर ही बनाऊँ, तो उसको ज़रूरी है कि डॉक्टर ही बनाया जाए। जब उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो जिस चीज़ में उसका लगाव है, जिस चीज़ की तरफ उसका रुझान है, उसकी तरफ उसको प्रमोट करना चाहिए। वो चीज़ जो बच्चा दिल से करेगा उसमें उसको कुदरती तौर पर ताउन भी मिलेगा और उसे कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। और हर बच्चे के लिए मेरी ये खुश तमन्ना है कि अल्लाह तबारक व तआला हर उस बच्चे को जिसके अंदर जो भी हुनर हो उनको उनकी राह में कामयाबी अता फरमाए। चलिए, फैजान की इस कामयाबी के बाद पूरे गांव में खुशियां मनाई जा रही हैं, परिवार के हर एक सदस्य उनकी कामयाबी पर बेहद खुश है, और परिवार इसके अलावा गांव और मेवात इलाके के लोग ये चाहते हैं कि फैजान साहब आगे जाएं और इंटरनेशनल लेवल पर भी गोल्ड मेडल है उसे जीत करके पूरे मेवात का नाम रोशन कर दिखाएं। खैर, फैजान को लेकर के आपकी क्या कुछ दुआएं हैं, इनके इस उपलब्धि पर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।